उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर में पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार व क्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोतीपुर जय नारायण शुक्ल के कुशल नेतृत्व में 23 जुलाई को थाना क्षेत्र के जालिम नगर बैरियर से कयूम पुत्र शमसुल्ला उर्फ भुजौ निवासी रामदयाल पुरवा, थाना मोतीपुर जनपद बहराइच मुन्नन पुत्र निजामुद्दीन निवासी बसंतापुर, थाना खैरीघाट जनपद बहराइच मिथुन वर्मा पुत्र मौजीलाल वर्मा निवासी एक घरा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच को 4 अदर चोरी की मोटरसाइकिलें जिन पर कूट रचित नंबर प्लेट लगी हुई है के साथ गिरफ्तार किया गया। ये बॉर्डर की जनपदों लखीमपुर खीरी सीतापुर लखनऊ आदि से चोरी के वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कूट रचित फर्जी बनवाकर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहनों का क्रय विक्रय करते थे जिनके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 312/2020 धारा 411 413 420 467 468 471 IPC पंजीकृत कराकर ज्यूडिशियल कजिस्ट्री रिमांड हेतु न्यायालय भेजा। अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 23/7/2020 को सायंकाल लगभग 5:30 बजे चौकी इंचार्ज जालिम नगर श्री रवि प्रकाश अपनी टीम के साथ जालिम नगर बैरियर पर चेकिंग कर रहे थे। वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति रोके गए। रोकने के पश्चात उनके वाहनों को चेक किया गया और चेक करने पे ये पाया गया कि जो उनके पास वाहन है उनके दस्तावेज उनके पास नहीं है और ये समझौता कोर्ट रचित दस्तावेजों के आधार पर चोरी किए गए वाहनों को ले जाकर के अन्यत्र बेचने के प्रयास में थे। पूछताछ गिरफ्तारी के आधार पर इन 3 व्यक्तियों कयूम मुन्नन और मिथुन वर्मा जो कि ये सभी बहराइच के ही हैं इनसे 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बरामदगी के आधार पर इसमें मुकदमा अपराध संख्या 312/20 धारा 411 413 420 467 468 471 IPC पंजीकृत किया गया है। ये भी है कि इन लोगों का गिरोह है इसमें कुछ और अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं उनको भी हम लोग फर्दर पूछताछ में डेवलप कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और शीघ्र ही गैंग में अन्य जो लोग भी होंगे उनको भी शामिल करके यदि और गैंग इस तरह की मोटरसाइकिलें बेची गई हैं उनको भी बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी। अखंड भारत न्यूज के लिए मोहम्मद साहिद अंसारी की रिपोर्ट बहराइच।